हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहित श्रीवास्तव एमएस फॉर्मूला का। मैं गाइस इस सेशन में हम नाउन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके सुपर टेट को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, यानी कि आपके आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा और चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड आउट द सिंपल सेंटेंस। सिंपल तो क्या होता है, सिंपल होता है इसमें एक फाइनेट वर्ब होती है ना, और एक सब्जेक्ट होता है। फाइनेट वर्ब क्या होती है, जो हमको टेंस की जानकारी देती है। जैसे मैंने बोला आई एम ए टीचर, तो एम क्या है, आपको टेंस की जानकारी दे रहा था, तो इट मीन्स एम इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल होता है, इस बात से आप लोग ऐसे याद रखिएगा। अब आपको देखिए एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, जो आपके ऑप्शंस हैं उनको पोस्टमार्टम करते हैं। आई वांट टू टीच दिल्ली। देखिए वांट क्या था, आपको टेंस की जानकारी दे रहा था, फाइनाइट वर्ब है एक मिनिमम, और एक सब्जेक्ट भी है। तो आपका ये क्या है, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा था, तो आपका ये आंसर हो सकता है सीइंग अ लायन शी जंप्ड। तो इसमें भी कहीं कंजंक्शन नहीं आ रहा था, तो इसमें आपको ये भी वर्ब लग रही होगी और ये भी वर्ब लग रही होगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया, वर्ब आप उसे कहिएगा जो आपको क्या बताए, टेंस बताए। तो ये आपको टेंस की जानकारी दे रही थी और यही क्या है कि फाइनाइट वर्ब है, इसमें कहीं भी कंजंक्शन नहीं आ रहा था और एक ही सब्जेक्ट है। लायन को देखने का काम और कूदने का काम किसने करा है, शी ने करा है, ठीक है ना। आई होप इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर, डी नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ गया, कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आपको उसको बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिएगा पूछा गया है फाइंड आउट द नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज क्या होता है पहले समझिएगा, ठीक है। नाउन फ्रेज समझने की कोशिश करिएगा, पहले फ्रेज क्या होता है, फ्रेज शब्दों का समूह होता है। अर्थ तो देता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, इसका खुद का सब्जेक्ट नहीं होता, खुद की वर्ब नहीं होती। नॉर्मल याद रखिएगा फ्रेज क्या होता है, जिसमें वर्ब नहीं आती। अब नाउन का जिक्र करते हैं, नाउन क्या होता है, ऐसे शब्द को नाउन कहिएगा जो सेंटेंस में क्या बने, सब्जेक्ट बने, सेंटेंस में क्या बने, ऑब्जेक्ट बने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउन फ्रेज क्या होता है समझिएगा, नाउन फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है जो सेंटेंस में क्या बनता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं बेटा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस ऑप्शन देखते हैं, आई वॉन्ट टू टीच दिल्ली, आई वॉन्ट वॉट, मैं क्या चाहता हूँ, तो टू टीच दिल्ली शब्दों का समूह था, है ना, शब्दों का समूह था, इसमें कहीं भी वर्ब नहीं आ रही थी और सेंटेंस में क्या बन रहा था, ये ऑब्जेक्ट बन रहा था, और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार नाउन को या प्रोनाउन को, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये क्या है, नाउन है। नाउन में क्या है, शब्दों का समूह है, इट मीन्स ये नाउन फ्रेज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, सींग अ लायन शी जंप्ड। देखिएगा इसमें आपका कोई भी एक वर्ब तो आ रही है, एक फाइनल वर्ब आ रही है, लेकिन शब्दों का समूह आपका जो है इसमें कलेक्शन नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट भी नहीं आ रहा है, तो है ना, इसके बी भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बोथ ए एंड बी, ये भी आपका गलत हो गया। आई सा अ लायन, ये भी आपका गलत हो गया। तो इस तरीके से आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर हियर, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है फाइंड आउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैंने आपको समझाया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा, समझिएगा, जिसमें आपको सफिक्स के रूप में टी आई एन, सफिक्स क्या होते हैं, जो शब्द के लास्ट में लगते हैं, टी आई एन लगा मिल जाए बेटा, नेस लगा मिल जाए लास्ट में, हुड लगा मिल जाए लास्ट में, है ना। और देखिएगा और क्या क्या मिल सकता है, और आपको मिल सकता है आई टी वाई लगा मिल जाए बेटा, है ना, आपको ओ एम लगा मिल जाए लास्ट में, तो आप उसे क्या कहिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहिएगा। और डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ऑप्शंस, चाइल्डहुड बचपन, क्या आपको दिखता है, नहीं, देखिए हुड लगा हुआ है लास्ट में, तो इट मीन्स ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम में देखिए ओ एम लगा हुआ, बुद्धिमानी दिखती है आपको, नहीं दिखती, तो इस तरीके से बी भी आपका आंसर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर है। टीम क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है बेटा, क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं, लिखा हुआ है फाइंड आउट द नाउन। तो नाउन आपको पहचानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो नाउन देखिए, ग्रेविटी में आई टी वाई लगा है तो ये भी नाउन है, विजडम में ओ एम लगा है ये भी नाउन है बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस आपका आंसर नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिखा हुआ है फाइंड आउट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया।
तो क्राइटेरिया हमने आपको पढ़ाया था, क्राइटेरिया के सिंगुलर फॉर्म क्या बनती है, क्राइटेरियन बनती है ना, तो बी एक राइट आंसर हो जाएगा। क्राइटेरियंस नहीं होता, बोथ एंड बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमेनन का फिनोमेना, है ना, डेटम का क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, जगह का नाम होता है बेटा, है नाम, नाम नाम होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर देखते हैं, ग्रेविटी किसी का नाम नहीं होता, हाँ हरदोई क्या है, प्रॉपर नाउन है। बोथ ए एंड बी आंसर नहीं हो सकता, डी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो हरदोई क्या है, प्रॉपर नाउन है, है ना, आपका सिटी का नाम है, सिटी का नाम हो गया, कैपिटल का नाम हो गया, किसी पर्सन का नेम हो गया, गर्ल का नेम हो गया, जगह का नाम हो गया, तो आप उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है फाइंड आउट द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ पीहन। तो पीहन होता है मोरनी, है ना, तो मोरनी का क्या बनता है, पीकॉक, यानी कि पीकॉक आपका मैस्कुलिन जेंडर है और पीहन क्या है, आपका फेमिनिन जेंडर है। देखिए गाइस, यू है ये किसका है, ये रैम का है, रैम का आपका क्या है, रैम आपका मैस्कुलिन जेंडर है और यू क्या है, आपकी फेमिनिन जेंडर है। मेयर क्या है, ये आपका फेमिनिन जेंडर है, इसका जो मैस्कुलिन जेंडर क्या बनेगा, हॉर्स बनेगा, है ना। सारे ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, और विच आपको पता है जादूगरनी होती है, तो विजार्ड इज द, आप इसका विजार्ड क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका पीएन का आंसर क्या हो जाएगा, पीकॉक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है फाइंड आउट द नाउन, है ना, तो नाउन पूछा गया है, तो इसमें देख लेते हैं नाउन कौन सा है। ग्रेविटी भी आईटीवाई लगा हुआ है, नाउन है, हुड भी नाउन है, नाउन लगा हुआ है बेटा, ये भी नाउन है, हरदोई प्रॉपर नाउन आपको पता होगा, तो इस तरीके से ऑल ऑफ दिस द राइट आंसर हेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड आउट द एरर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिएगा, सीनरीज नहीं होता, सीनरी आपको दिखता नहीं है बेटा, सीनरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा, है ना, और तो इसका, और मैंने आपको बताया था जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका बहुवचन नहीं बनता है, तो अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है, सीनरीज नहीं होता बेटा, है ना, सीनरीज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होता, लगेजेस नहीं होता, बैगेजेस नहीं होता, तो इनमें एस और एस नहीं लगता है, अनकाउंटेबल से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर, तो एस हटा दीजिएगा आप लोग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, लिखा हुआ है फाइंड आउट द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस। तो आपको पता है एनालिसिस में अगर आई लगा होता तो इसका बनता है ई एस करके बनता है एनालिसिस, है ना, तो आपका बी नहीं हो सकता, आपका ए आपका सही हो सकता है, बोथ ए एंड बी आंसर नहीं हो सकता, डी भी आंसर नहीं हो सकता। एनालिसिस का, एनालिसिस जिसमें आई एस लगा होता है इसको ई एस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को बेटा जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। अभी हम नाउन में आपको मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर भी पढ़ाएंगे और सिंगुलर और प्लूरल भी पढ़ा देंगे, हमने आपको थ्योरी करा दी थी, अब हम आपको उसकी और प्रैक्टिस कराएंगे और इसके टॉपिक लेकर हम आएंगे। तो गाइस, आज के लिए हम इतना रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।